झूठ बोलेगी ये सरकार उत्तर प्रदेश के बासिंदे लोगों के साथ, कितना झूठ बोलेगी। सरकार बिल्कुल संज्ञान में नहीं लेती, संज्ञान में कौन सा काम लेती है, विपक्ष का कोई भी कुछ मुद्दा हाथ लग जाए। झूठे वायदे करने वाली सरकार चारों तरफ से फेल है। सरकार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि विपक्षी जो मुद्दे उठाते हैं उसमें कुछ दम है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस पार्टी भी जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है और आज कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व शामिल हुआ। विशेषकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और तमाम प्रांतीय अध्यक्ष शामिल थे। आपको बता दें कि इसके बाद जो है ब्रजलाल खाबरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जो है विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उससे पहले जो प्रत्याशी थे, उन तमाम प्रत्याशियों को आज बुलाया गया, उनके साथ बैठक की गई, वार्ता किया गया और जमीनी स्तर पर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ ब्रजलाल खाबरी ने मौजूदा समय की महंगाई को लेकर भी जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस वक्त आम जनता सबसे ज़्यादा महंगाई से टूटी हुई है और युवा रोजगार से परेशान है। वहीं मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए, गरीबों के आंसू पूछने चाहिए, जो वहाँ पीड़ित परिवार है उनसे मिलना चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से जाकर पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी का कद दिन ब दिन बढ़ रहा है और इसके साथ आम जनता का विश्वास भी ये जीत रहे हैं। ब्रजलाल खाबरी ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के बासिंदे लोगों के साथ कितना झूठ बोले आप लोग भी शहर में, हम भी शहर में रह रहे हैं, शहर की बिजली की हालत क्या है किसी से छुपा नहीं। कहने का हमारा आशय है कि जो सरकार बोलती है उसे करती नहीं है। बिजली का जो संकट आपके प्रदेश में है उससे रूबरू हर एक व्यक्ति है। गांव की हालत तो यह है कि छोटे छोटे किसान जो इस समय फसल की बुआई है, धान लग रही है खेतों में, पानी की कमी के कारण अगर वो अपने ट्यूबवेल से शुरू करते हैं, बोरिंग से शुरू करते हैं, तो बिजली का इतना बड़ा बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही, तो कई तरीके से वो टूट रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो सरकार वायदा कर रही थी बिजली का वो फेल है। जहां तक सवाल कानून व्यवस्था का है, कानून व्यवस्था पर हम हमेशा यही कहते रहे, आज फिर से कह रहे हैं। एक दो नहीं, हमारे पास बहुत सारे घटनाओं का जिक्र है।